तो हे गाइस बेटो आर्मी, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि गाइस बढ़िया होंगे एंड गाइस बढ़िया ही रहना। गाइस मैं चल रहा हूँ ग्रैंड मास्टर पे एंड मेरा स्कोर 20,000 हो चुका है एंड पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूअसली सोलो में ही रैंक पुश कर रहा हूँ एंड गाइस कल तो यार लिटरली मैंने 2,000 से भी ज्यादा स्कोर प्लस कर लिया। बट गाइस वैसे भी तो सीजन 28 में सोलो में रैंक पुश करना बिल्कुल ही आसान हो चुका है एंड गाइस अगर आप लोग को नहीं पता तो फिर ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो में मैं वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ सोलो रैंक पुश से रिलेटेड, जिस स्ट्रेटेजी को यूज करके मैं खुद पिछले 3 दिनों से 1 दिन में 2,000 स्कोर से भी ज्यादा प्लस करते आ रहा हूं। चलो गाइस बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर देना एंड चैनल पे नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दे ताकि मेरी डेली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड हाँ यार, इग्नोर मत करना बिकॉज वीडियो बनाने में लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एंड गाइस कंटिन्यूअसली मैं खुद से अकेले अपने आईडी में रैंक पुश करते आ रहा हूं। सो गाइस जब फाइनली मैंने इसी ग्रैंड मास्टर वाली आईडी से एक मैच स्टार्ट कर दिया है एंड गाइस अगर मैं ग्रैंड मास्टर पे हूं तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा मैच को स्टार्ट होने में एंड गाइस जैसे ही गेम स्टार्ट होता है हम लोग लॉबी में आ जाते हैं एंड आप लोग ये लॉबी देख लो गाइस, तो ये 20,000 स्कोर की लॉबी है। ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि सोलो रैंक मैच से रिलेटेड कितनी हार्ड लॉबी आई है बिकॉज गाइस ऐसे बंदे जो आते हैं ना वो 3rd जोन 4th जोन तक भी 15-15, 20-20 बंदे जिंदा रहते हैं। बट गाइस ऐसे सिचुएशंस को आपको कैसे हैंडल करना है ना, उसी के लिए तो मैं आपके लिए ये वीडियो बनाया हूं। रैंक पुश की स्ट्रेटजी का सबसे पहला स्टेटमेंट मैं आप लोगों के लिए ये बोलना चाहूंगा कि लॉबी हार्ड हो या नो भी ये फर्क नहीं पड़ता है। ये पड़ता है गाइस कि आपके गेम खेलने की स्ट्रेटजी क्या है, आपके रैंक पुश करने के तरीके कैसे। सो गाइस फाइनली हम लोग प्लेन में आ जाते हैं एंड अब आती है मेन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको लैंडिंग कहाँ पे करना है। लैंडिंग करने के बारे में जानने से पहले आप लोग लेफ्ट साइड में स्क्रीन के ऊपर देख लो तो BR रैंक एंड ग्रैंड मास्टर का लोगो आपको दिख रहा होगा, मतलब ये कंफर्म्ड है कि ये रैंक मैच है। एंड लैंडिंग के लिए गाइस मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको वैसे जगह पे लैंड करना है जहाँ पे घरों का संख्या ज्यादा हो एंड वो जगह भी प्लेन के एंड में होना चाहिए। एंड यहाँ पे भी गाइस प्लेन के एंड में आपको दिख रहा होगा कि केप टाउन एंड सेंटोसा दोनों है, तो गाइस उन दोनों जगह में से कहीं पे भी आप लैंड कर सकते हो बिकॉज दोनों जगहों पे ही घरों का संख्या ज्यादा है। फाइनली थोड़ा सा वेट करने के बाद गाइस मैं सेंटोसा वाले ऑप्शन को चूज करता हूँ बिकॉज केप टाउन में बहुत सारे बंदे जा रहे होते हैं। बट गाइस यहाँ पे जैसे ही मैं जमीन पे लैंड करने वाला ही होता हूँ ना तो मेरे को स्कैनर में एक बंदा दिख जाता है एंड गाइस लिटरली वो मेरे से थोड़ा सा आगे भी चला जाता है। बट गाइस फाइनली मैं सेंटोसा में लैंड कर जाता हूँ एंड थोड़ा सा दूरी करता हूँ प्लेन से एंड उसके बाद आपको करना कुछ नहीं गाइस, नॉर्मली थोड़ी बहुत लूट करनी है जो भी आपकी लूट हो। यहाँ पे अब ध्यान से सुनना गाइस बिकॉज अभी जो मैं एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो इस गेम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो ये है कि गाइस आपको जो लूट करना है ना वो यहाँ पे आपको वेंडिंग मशीन दिख रहा होगा सेंटोसा में, तो उसी के आसपास में ही आपको लूट करना है। वेंडिंग मशीन उसको बोलते हैं गाइस जिससे आप सामान खरीदते हो जिसमें लेवल 3 का वेस्ट हेलमेट और भी बाकी सारे गन्स वगैरह होते हैं। इसके आसपास लूट करने से गाइस आपका फायदा क्या होगा ये आपको पता है, आपको फ्री में एक किल मिल जाएगा एंड उस किल में आप चाहो तो जितना भी डैमेज ले सकते हो। ये तो आपको भी पता है कि ग्रैंड मास्टर पुश करने के लिए डैमेज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गरीना फ्री फायर। मेन पॉइंट तो ये है गाइस कि आखिर वो फ्री में किल आपको मिलेगा कैसे, इसीलिए गाइस आपको उसके आसपास बोल रहा हूँ ताकि जैसे ही कोई बंदा आएगा तो उसका फुटस्टेप तो पहले आपको सुनाई देगा ना एंड उसी टाइम पे आपको अपने खुद के फुटस्टेप को बंद कर लेना। एंड गाइस जैसे मैं ये चीजें बता रहा था ना आपको, उतने में क्या होता है कि यहाँ पे एक बंदे की गाड़ी की आवाज मेरे को सुनाई देती है एंड गाइस लिटरली वो बंदा गाड़ी से आ रहा होता है। देन फिर गाइस क्या होता है कि फाइनली वो बंदा गाड़ी से उतरता है एंड मैं फिर उसके फुटस्टेप को रीड करने की कोशिश करता हूँ एंड धीरे धीरे उसके क्लोज जाता हूँ क्योंकि मेरे को पता है गाइस कि कोई भी बंदा अगर सेंटोसा आएगा फिर कहीं पे भी जाएगा गाइस, वो अगर गेम का स्टार्टिंग चल रहा है ना तो कन्फर्म है कि वो मशीन के पास जरूर ही जाएगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर लूट की कमी जरूर होगी। इसी का गाइस आपको फायदा उठाना है क्योंकि गाइस जो चीजें की लूट कमी है उसके टोकन्स आपको मिल जाएंगे एंड बाकी चीजें तो उसके पास भी तो लूट होगी ना जिससे कि आपको मिल जाए। एंड बैकग्राउंड में तो गाइस आपको दिख ही रहा होगा कि मैं कितना ज्यादा चालाकी करता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद भी वो बंदा अंदर घुसा एंड यहाँ पे वेंडिंग मशीन था, तो फिर मैं क्या करता हूँ गाइस पता है, यहाँ पे ना आने के बाद थोड़ा सा वेट करता हूँ। वेट भी गाइस कुछ ऐसे करना ना कि थोड़ा सा आपको सीटअप करते रहना ताकि बाकी कोई और बंदा ना आपको मार दे। देन फिर गाइस यहाँ पे वेट करने के बाद आपको उस बंदे को ना इस मशीन के पास आने देने का वेट करना है क्योंकि यहाँ पे आने के बाद क्या होता है ना गाइस की बैग ओपन रहता है एंड बंदा जब तक हटेगा तब तक तो वो मर जाएगा। गाइस ये ना आप किसी भी वेंडिंग मशीन के साथ कर सकते हो, बस गेम का स्टार्टिंग होना चाहिए ना वहाँ पे बंदे कम जाने चाहिए क्योंकि जहाँ पे बंदे कम जाते हैं ना लोग वहीं पे लूटने जाते हैं। फाइनली गाइस यहाँ तक तो था एक किल का बात, बट उसके बाद अभी तो गेम खत्म नहीं हुआ ना, अभी तो गेम स्टार्टिंग ही हुआ, तो फिर अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए ना गाइस आपको करना कुछ नहीं है, नॉर्मली कोई भी गाड़ी लेना है या तो लैम्बोर्गिनी या बाइक, इसके अलावा और भी कोई गाड़ी नहीं लेना, अगर बाइक मिल जाए तो ज्यादा अच्छा एंड अगर नहीं मिले तो लैम्बोर्गिनी से आपको बाइक को ही ढूंढना है। यहाँ पे ना कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि गाइस देखो जैसे मैं यहाँ पे आगे जा रहा था ना पीछे से मेरे को कोई बंदा मारने का कोशिश करता, फिर मैं सोचता हूँ कि यहीं पे उधर का फाइट लूँ, फिर बोला नहीं यार रिस्क तो होगा। देन फिर मैं थोड़ा सा आगे जाने के बाद कार
को छोड़ता हूँ, पीछे से जोन भी श्रिंक कर रहा होता तो फिर यहाँ पे आने के बाद थोड़ी देर वेट करता हूँ, क्योंकि पीछे से तो कोई बंदा मारेगा नहीं एंड आगे से अगर हुआ है तब तो मैं उसको सीधा हेडशॉट ही मार दूंगा। बट गाइस फाइनली वो जोन में पूरा रुक गया, पूरा टाइम भी खत्म हो गया, लेकिन यार अभी तक वो बंदा नहीं आया। तो फिर मैं सोचता हूँ यार कोई और रास्ता से चला गया होगा, क्योंकि उसको मेरे को देखकर डर तो लग ही गया होगा ना। एंड गाड़ी चलाते टाइम ना गाइस आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आपके सामने एक और गाड़ी वाला कभी भी मिल सकता है। जैसे गाइस मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे को ये गाड़ी वाला मिलता है, ये गाड़ी वाले को गाड़ी चलाने नहीं आता, तो फिर मैं सबसे पहले तो उतर के गाइस इसके गाड़ी को जलाता हूँ। एंड गाइस जब तक इसको टाइम मिलेगा ना गाड़ी से निकल करके सीधा खड़ा होने का, तब तक तो आप उसको अच्छा खासा डैमेज दे दोगे। फिर उसके बाद बंदा जब होश में आएगा तो कितना वॉल डालेगा भाई, मरना तो तुमको है, क्योंकि बच के तुम जाओगे कहाँ, क्योंकि मेरे को तो पता है गाइस कि तुम पहले से डैमेज हो, तो जितना देर बचने की कोशिश कर रहे हो कर लो, बट फाइनली तुमको मरना तो पड़ेगा ही ना। एंड फाइनली गाइस जब आप खुद ही देख लो ना तो पोजीशन अभी भी इतने छोटे से जोन में टॉप 15 है, मतलब समझ रहे हो ना गाइस कि इतने छोटे जोन में अभी भी 15 बंदे जिंदा हैं। बट गाइस यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे मैं थोड़ा सा आगे जा रहा होता हूँ ना तो बंदा मेरी गाड़ी में आग लगा देता, बट फिर भी मैं थोड़ा सा गाड़ी से लेट उतरता हूँ, क्योंकि उस बंदे के रेंज से दूर चला रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी थोड़ी देर बाद जलती है, मेरे को पता था। एंड फाइनली गाइस अब गेम का ये थर्ड पार्ट है जो लास्ट पार्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि गाइस यहाँ पे देखो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को जीप मिलता है, मैं जीप लेके इसीलिए चला जाता हूँ ना क्योंकि आज मेरे को पता है कि मेरे पास मीसा कैरेक्टर है, तो जीप से गाइस कोई भी बंदा आपको मार तो नहीं पाएगा, बट आपकी जीप को जला जरूर देगा। इसी कारण से गाइस मेरे को दूर से ही दिख गया था कि यहाँ पे बाइक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आता हूँ एंड जीप छोड़ने के बाद बाइक ले लेता हूँ, बट गलती से किसी एक बंदे का मेरे को गोली लग जाता है। एंड वहीं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ तो सामने में मेरे को गाइस एक और बाइक दिखता है, फिर मैं बाइक को चेंज कर लेता बिकॉज मेरा वाला जो बाइक होता है ना गाइस वो थोड़ा सा डैमेज होता है। एंड फाइनली गाइस पोजीशन टॉप 8 हो चुका है, इसके बाद देख लो आप लोग तो कितना छोटा जोन हो चुका है। लिटरली गाइस अगर ऐसे जोन में आप गाड़ी चलाओगे ना तो कंफर्म है कि कोई ना कोई बंदा आपकी गाड़ी तोड़ देगा, दूसरा तीसरा बंदा आपके साथ थर्ड पार्टी कर लेगा, इसीलिए आप पहले ही क्यों ना सेफ हो जाओ। एंड देख लो गाइस सेफ होने का मतलब ये होता है कि चुपचाप बैठ के कैंपिंग करो, ऐसा ना कि अगर बंदे का फुटस्टेप आया तो सीधे मारने के लिए छनूने काटने लगे, सीधा आप जाकर के बंदे के ऊपर रस कर दो। देन फिर गाइस ऐसे सिचुएशंस में ना आप सीरियसली मारे जाओगे, क्योंकि आपको रस करना ही नहीं है, बस आपको पूरे तरीके से फुल सेफ फाइट लेना है। फाइनली गाइस जोन श्रिंक करने लगता है, इतने में क्या होता है गाइस कि एक बंदा ऊपर से आने की कोशिश करता है, देन फिर मैं उसको डैमेज देता हूं, पूरे तरीके से फिनिश भी कर देता हूं। एंड फाइनली गाइस जब देख लो आप लोग तो पोजीशन टॉप 4 हो चुका है, मैं जैसे यहां पे थोड़ा सा आगे जाता हूं ना वो बंदा आता है बाइक से, मैं क्या करता हूं वॉल डालता हूं, उसके बाद ये बंदा बाइक चेंज करता है, फिर मैं इसके बाइक को जला देता हूं। एंड देन फिर गाइस ये बंदा अभी तो यहां से भाग जाता है, बट इसको छोड़ूंगा तो नहीं है, तो आपको भी पता है। एंड फाइनली गाइस यहां पे अब जोन श्रिंक करने लगता है तो मैं घर के अंदर जाता हूं, इतने में क्या होता है गाइस कि एक बंदा पीछे से आता है, मेरे को गंदा डैमेज देता है, फिर मैं उसको डैमेज देता हूं, फिर वो मेरे को डैमेज देता है, फिर मैं वॉल डालता हूं एंड देन फिर उसको फिनिश कर देता हूं। उसके बाद गाइस फाइनली मेरा पोजीशन टॉप 3 भी हो चुका है एंड अब बचा सिर्फ 2 बंदा। एंड आप लोगों को पता भी है गाइस कि पोजीशन टॉप 1 हो या टॉप 2 अगर आपका डैमेज अच्छा खासा है तो प्लस तो फुल मिलेगा। तो गाइस जब फाइनली यहां पे लास्ट जोन भी अब श्रिंक करने लगता है तो मैं घर से बाहर निकलता हूं, फुटस्टेप आता है, मैं पीछे वॉल डालता हूं, बंदा मेरे को डैमेज देता है, फिर से मैं वॉल डालता हूं, फिर बंदा मेरे को डैमेज देता है, फिर से मैं वॉल डालता हूं, फिर बंदा मेरे को डैमेज देता है, फिर से मैं वॉल डालता हूं। देन फिर गाइस यहां पे मैं बैठता हूं, मेरे को लगता है बंदे को कोई मार दिया, फिर भाई बंदा मेरे को डैमेज देता है, फिर मैं वॉल डालता हूं, बंदा फिर से मेरे को डैमेज देने की कोशिश करता है, बट फाइनली मैं इसको फिनिश कर देता हूं। मेरा पोजीशन हो जाता है गाइस टॉप 2 एंड ये आपको भी पता है कि मैं लास्ट वाले बंदे को थोड़ा सा नॉर्मली ले लेता हूं, इसलिए मैं क्या करता हूं लास्ट वाले बंदे से मर जाता हूं यार। कोई ना गाइस आप लोग खुद ही देख लो कि मेरे को कितना प्लस मिलता है। सो आई होप कि गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।